नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट लॉजिक आर के ऊपर। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जाने वाले फर्स्ट T20I मुकाबले के बारे में। यहाँ पर हम ग्रैंड लीग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रैंड लीग के पर्पज़ से टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं GL के हिसाब से। तो यहाँ पर आप जिसको GL खेलना है ग्रैंड लीग में, 1 करोड़ का फर्स्ट प्राइज़ है, तो उस हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो ज़्यादा देर न करते, मैं यहाँ पर आपको दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से प्लेयर्स ग्रैंड लीग में लेना है और कौन कौन से को ड्रॉप्स करना है, उस हिसाब से मैं टीम कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, दोनों टीमों ने अपने अपने लास्ट के 5-5 मुकाबले खेले हुए हैं, उसमें यहाँ पर आपको किसकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी लगती है उस हिसाब से आप देखिए। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने अपने 5 मैचों में से 3 मैचेस विन कर रखे हुए, 2 लॉस किए हैं, और साउथ अफ्रीका ने 4 मैचेस विन कर रखे हुए, 1 लॉस किया हुआ है। यहाँ पर ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी जो कि वेस्ट इंडीज़ में है। और यहाँ पर वेदर की बात करते तो वेदर बारिश की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो सकती है। और यहाँ पर विकेट की बात करें, पिच बॉलिंग विकेट होने वाली है यहाँ पर, तो बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलता है यहाँ पर, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, 75% यहाँ पर पेसर्स को मदद मिलती है। तो उस हिसाब से आप टीम कॉम्बिनेशन बनाइए। यहाँ पर देखिए, बॉलिंग वाले सेक्शन में से आपको कम से कम 5 या 6 प्लेयर्स लेना है। यहाँ पर देखिए, तो एवरेज स्कोर देखिए 84 दिखाया हुआ है, लगभग आपको 100-120 रन देखने को मिल सकते हैं, 130 तक का एवरेज स्कोर जा सकता है यहाँ का। तो यहाँ पर देखिए टोटल विकेट देखिए, अब यहाँ पर 62 टोटल विकेट्स है। यहाँ पर पेसर्स ने 46 विकेट्स लिए हुए हैं और स्पिनर्स ने 16 विकेट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, 75% विकेट्स पेसर्स को मिले हैं और 25% स्पिनर्स को। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, टीम कॉम्बिनेशन आपको बॉलर के फेवर में बनाना है। और ग्रैंड लीग में कम से कम ऐसे प्लेयर्स रखना है आपको जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम से कम हो, जो कि 3 या। तो यहाँ पर देखिए, अभी टीम कॉम्बिनेशन बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखिए पहले। यहाँ पर देखिए 13 मैचेस खेले हुए दोनों के बीच में, वेस्ट इंडीज़ ने 7 मैचेस विन कर रखे हुए और साउथ अफ्रीका ने 6 मैचेस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्ट इंडीज़ भी कमज़ोर टीम नहीं है, तो वेस्ट इंडीज़ भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ गया, अभी टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं टीम कॉम्बिनेशन में ऐसे कुछ प्लेयर्स देने वाला हूँ जो कि आपको ग्रैंड लीग में लेना ज़रूरी है। ग्रैंड लीग में आपको 6 बॉलर्स को लेना है कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम से कम हो, और कैप्टन वाइस कैप्टन जिसको बनाओगे, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज भले ज़्यादा हो लेकिन उसको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए 1 से 5 के बीच में सिलेक्शन परसेंटेज किया हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया हुआ। तो चलो देर ना करते हुए मैं टीम कॉम्बिनेशन बनाकर दिखा देता हूँ। 3 प्लेयर्स मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से 3 प्लेयर्स है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है और आपको आपकी टीम में शामिल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले प्लेयर का नाम लूँगा मैं, फैबन एलन वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। अगर ये खेलते हैं तो इनको आपको ज़रूर ट्राई करना है। खेलते तो रोस्टन चेस खेल सकते हैं, तो रोस्टन चेस को भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं भी मानकर चल रहा हूँ फैबन एलन खेल रहे हैं, तो मैं फैबन एलन को ट्राई करूँगा। यहाँ से देखिए बॉलिंग वाले सेक्शन में, मैं कम से कम वाला सिलेक्शन परसेंटेज वाला प्लेयर देखिए, तो यहाँ से है साउथ अफ्रीका तरफ से विलियम्स, तो मैं यहाँ पर विलियम्स को ट्राई करूँगा कम से कम सिलेक्शन परसेंटेज। तो 2 प्लेयर हो गए हैं। यहाँ से आप रोमन पॉल को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर हेटमायर। तो मैं यहाँ पर देखिए हेटमायर को ड्रॉप करूँगा, पहली टीम में ड्रॉप करूँगा, दूसरी टीम में रोमन पॉल को ड्रॉप करूँगा। तो अभी मैं इसमें रोमन पॉल को ले बनाते हो तो इन दोनों को एक साथ में नहीं लेना है आपको, इसे एक के साथ जाना है। तो अभी मैं हेटमायर लूँ या रोमन पॉल लूँ, एक टीम का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, और आपको आर्डू डोसन के साथ जाना है इसके साथ, और स्टब्स। यहाँ पर 3 प्लेयर्स लूँगा मैं बैटिंग वाले सेक्शन में। यहाँ से मैं निकोलस पुरन के साथ जाऊँगा, और आप यहाँ पर देखिए जॉनसन चार्ल्स के साथ भी जाना चाहो तो जा सकते हो, अच्छे खासे हिटर है। शाही ओप जिसको लेना है, शाही ओप के साथ भी जा सकते हो, आपको विकेट वाले सेक्शन में नजर आएंगे, लेकिन मैं शाही ओप को ड्रॉप करूँगा। यहाँ पर देखिए, आप रेस्टन चेस के साथ जाना चाहो या फैबन एलन के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ जाना चाहो, दोनों के साथ भी जा सकते हो। और यहाँ फास्टर बॉलर है, मैं फास्ट उनके साथ भी जाऊँगा, यहाँ से मुल्डर के साथ। यहाँ पर तीनों यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर मैं बॉलिंग वाले सेक्शन में देखिए 4 प्लेयर्स ले रहा हूँ, दूसरी टीम में मैं 5 बॉलर्स लूँगा। तो यहाँ पर देखिए लुंगे एंगेड़ी, यहाँ पर हॉबर्ट मोका और बार्टमैन, तो ये मेरे प्लेयर्स हो गए।
तो यहाँ पर देखिए मेरी टीम कॉम्बिनेशन वाइस कैप्टन के दावेदार आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो वाइस कैप्टन यहाँ से निकोलस पुरन को कर सकते हो बैटिंग वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर पिच जो है बॉलिंग पिच होने लिए थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन रेसी के लिए मैं दावेदार बता सकता हूँ निकोलस पुरन। यहाँ से आप चाहो तो वाइस कैप्टन आप यहाँ से आर्डू डुसिन को भी कर सकते हो और स्टब्स को भी कर सकते हो, लेकिन सेफ रहेंगे थोड़े निकोलस पुरन। यहाँ से आप कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार देख सकते हो आज के मैच में लुंगी एंगेडी को या फिर विलियम्स को, और थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो बैटमैन को भी आप कैप्टन से दे सकते हो। तो इस हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन बनाइए। अभी मैं कैप्टन वाइस कैप्टन मेरी टीम में इनको बनाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मैं लुंगी एंगेडी को वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ और यहाँ से विलियम्स को मैं कैप्टन से दे सकता हूँ। तो मेरा टीम कॉम्बिनेशन इस टाइप का होगा, आप समझ सकते हो। यहाँ से मेरा टीम कॉम्बिनेशन आपके टीम में भी यही कॉम्बिनेशन बनेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहो तो कैप्टन विलियम्स के बदले आप थोड़ा रिस्क लेकर करना चाहो तो रोमरी शेपर्ड पर भी आप कैप्टनसी बना सकते हो, कैप्टनसी दे सकते हो रोमरी शेपर्ड को, CVC बना सकते हो। लेकिन मैं इन दोनों के साथ जाऊंगा, एक टीम में मैं विलियम्स के साथ कैप्टनसी दूंगा विलियम्स को और एक बार दूंगा बैटमैन को कैप्टन वाइस कैप्टन। आप चाहो तो इन दोनों में को भी दे सकते हो या फिर बैटर में से दे सकते हो, ऑलराउंडर में से दे सकते हो। तो मेरा टीम कॉम्बिनेशन इस टाइप का हो गया है दोस्तों। अभी मैं टीम बनाकर दिखा देता हूँ, एक टीम में ज्वाइन भी कर ले रहा हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैंने कुछ चेंजेस बताया हुआ था आपको, वो चेंजेस ज़रूर कर लेना ज़्यादा टीमें बनाते हो तो। हेटमार के बदले आप रोमन पॉल को भी ले सकते हो और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रेस्टन चेस के बदले आप फाइवन एलन के बदले आप रेस्टन चेस को भी ले सकते हो। पहला टीम का कॉम्बिनेशन है और मैंने टीम ज्वाइन भी कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हर रोज़ एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दूंगा, तो उसी टीम से आप भी खेल सकते हो, मैं भी उसी टीम से खेलता हूँ। कुछ ज़्यादा टीमें बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़्यादा टीम का कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।